कुत्ता, उल्लू, याक और घोड़ा, इन्हीं जानवरों की आवाज आई आपको, छोटे हैं, पेट्स हैं हमारे हीरोज के। हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। टाउन हॉल 14 का फिफ्थ स्नीक पीक, फाइनल स्नीक पीक आ गया है। हमारे स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो पेट हाउस है, मतलब छोटे छोटे जानवरों का घर। हमारे हीरोज अब छोटे छोटे जानवर जो कि पेट्स होते हैं हमारे, वो रखेंगे। पेट हाउस एक उनके लिए नई बिल्डिंग है जिसमें वो रहेंगे। पहला है कुत्ता, दूसरा है उल्लू, तीसरा है याक और चौथा है घोड़ा, जिसको यूनिकॉर्न कह रहे हैं अंग्रेजी में। तो पहला हम लेवल 1 पे अनलॉक करेंगे कुत्ते को, मतलब लैसी बोलेंगे हम, कुत्ता नहीं बोलेंगे क्योंकि इतना ऑकवर्ड हो जाता है, लैसी बोलेंगे। तो आप जो चाहें वो बोल सकते हैं, आपको फ्रीडम है। तो ये हम हीरोज पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन से हीरोज पे? सभी हीरोज पे, किसी पे भी जो चाहें, जिस पे आप उनके साथ भेज सकते हैं। सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। जो हमारा लैसी है वो वाल्स जंप करके हीरोज के साथ जाएगी, जैसे हमने क्वीन पे लगा लिया तो क्वीन के पास चली गई। ऐसे ही लेवल 2 अपग्रेड करने पे ये उल्लू आएगा हमारे इसमें पेट हाउस में। तो हम देखेंगे लेवल 2 कहाँ से अपग्रेड करेंगे, क्या लेबोरेटरी से? नहीं, ये पेट हाउस में ही अपग्रेड होगा। पेट हाउस में जैसे अपग्रेड किया तो हमारा ओउल जो है, जो कि हमने हेमरजा में उसमें वीडियो में भी देखा था, वो यही है, वो यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, वीडियो में आगे देख के बहुत सरप्राइज होगा कि इनके लेवल 10 तक जाने वाला है, जो कि मुझे सरप्राइजिंग लगा थोड़ा। इतना लेवल 10 तक भेजना, शायद गेम को बैलेंस करने का कुछ सुपरसेल का विचार है। लेवल 3 अपग्रेड करने पे याक अनलॉक होगा, याक के बाद लेवल 4 पे अनलॉक होगा हमारा यूनिकॉर्न, मतलब यूनिकॉर्न घोड़ा, घोड़े की आवाज़ आई थी हमने वीडियो में देखा था हमने। तो ये जैसे हमने इस पे अप्लाई किया, किस पे किया है इसको, किंग पे किया शायद। अब लेवल 4 पे अपग्रेड करते ही ये हमारा घोड़ा भी अनलॉक हो जाएगा, जिसको कि यूनिकॉर्न कहेंगे हम, क्योंकि गेम में यूनिकॉर्न ही कहा है। तो किंग क्वीन पे अप्लाई करते ही ये क्वीन के पास चला जाएगा। तो हम अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, सबके अलग अलग एल्गोरिदम है कैसे कैसे काम करेंगे। जैसे लैसी है वो हाई जंपर है, मतलब दीवारों पे कूद के वो डिफेंस पे टारगेट करेगी जिस भी हीरो के साथ में रहेगी 7 टाइल्स की रेंज में। आउल है वो हाई वोल्टेज देगी, वो एयर ट्रूप है एक तरह से, और वो हीरोज के साथ जाएगी और जैसे इलेक्ट्रो ड्रैगन काम करती है वैसे काम करेगी। वैसे ही सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। लैसी को हम दीवारों पे कैसे टारगेट करना है उसके बारे में देखेंगे। अगला याक है, याक दीवार तोड़ेगा, ये दीवार तोड़ के हीरोज के साथ आगे बढ़ेगा। ओवल, इलेक्ट्रो ओवल का जैसे मैंने बता ही चुका हूँ, वैसे ही याक का है, ये दीवारें तोड़ेगा और हमारे हीरोज के पीछे पीछे जाएगा और अपना डैमेज देगा ट्रूप्स पे। 7 टायर्स के रेंज में ये हीरोज को फॉलो करने वाले हैं। तो ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि हीरो आगे निकल गए और ये पीछे पीछे बिल्डिंग्स तोड़ते रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये हीरोज के साथ 7 टायर्स में जितना भी डैमेज कर पाएंगे बिल्डिंग्स को, उतना करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 7 टायर के रेंज में जो अगली बिल्डिंग इनकी रेंज में रहेगी उस पर ये टारगेट करेंगे। और सबकी प्रॉपर्टीज़ हम अलग अलग देखेंगे। देखिए यूनिकॉर्न क्या है, एक पर्सनल हीलर है, मतलब एज ए हीलर काम करेगा। तो मैक्सिमम लेवल हीलर की जो ये यूनिकॉर्न है, वो जो अपना लेवल 7 हीलर से भी ज़्यादा पावरफुल है। मतलब आप एक, अब किसी भी जैसे क्वीन चार्ज कर रहे हैं या वार्डन चार्ज कर रहे हैं, तो वार्डन वॉक कर रहे हैं, उसमें आप इसको एक हीलर की जगह ले सकते हैं जो कि उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो हम इनको इंस्टेंटली अपग्रेड करके देखेंगे। लेवल 2 अपग्रेड करेंगे, लेवल 3 अपग्रेड करेंगे, तो इनके डैमेज पर सेकंड्स वगैरह इंक्रीज होते जाएंगे और लेवल 10 तक जाएगा। ये भगवान क्या किया है सुपरसेल ने, लेवल 10 तक जाएगा और डार्क एलिक्सर लगेगा इसके लिए, लॉट्स ऑफ फार्मिंग लगने वाली है दोस्तों। ये मुझे लग रहा है टाउन हॉल 14 हमें एक साल में अपग्रेड होने वाला है। मैक्स आउट करने में ये बहुत पैसे खर्च करवाने वाला है लोगों के और प्लेयर्स के, जिनको जल्दी जल्दी अपग्रेड करना है टाउन हॉल, उनके बहुत पैसे खर्च होने वाले हैं। चलिए कोई नहीं, हमें काम पे लगे रहना ज़्यादा पसंद है, हम गेम रेगुलर खेलते रहें, ये अपने आप अपग्रेड हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप चाहो तो गोल्ड पास भी खरीद सकते हैं उसके लिए, लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड कि स्टूडेंट्स वगैरह गोल्ड पास खरीदें। आप एक काम कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ पहुँचाइए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम गोल्ड पास गिव अवेज करेंगे आगे, जब 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर जाएंगे तब ही हम गोल्ड पास गिव अवे करेंगे। फर्स्ट मैं गोल्ड पास गिव अवेज करूँगा हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स जिस दिन कम्प्लीट हो जाएंगे।
तो लेवल फोर में आप इस पे वीडियो पे आते हैं, बात करते हैं। लेबोरेटरी में इनको अपग्रेड नहीं करना है, पेट हाउस में या इनको अपग्रेड करना है। और देखिए हम जैसे इनको देखते हैं किस किस हीरोज के साथ, जैसे रॉयल चैंपियन के साथ हमने लेसी को लगाया तो कैसे काम करेगा। लेसी के साथ हमने रॉयल चैंपियन को लगाया तो देखिए फर्स्ट बिल्डिंग जो आ रही थी एलेक्जर स्टोरेज उस पर उसने अटैक कर दिया है। और इलेक्ट्रो ड्रैगन आगे जाए, वो सॉरी इलेक्ट्रो ड्रैगन बोल रहा हूँ, आरसी अगर आगे जाएगी तो वो अगली बिल्डिंग पे पहुँच जाएगा। ये अलग अलग टाइल्स का 7 टाइल्स की रेंज जैसे रहेगी उसके साथ पहुँच जाएगा आगे। जैसे देखिए लेसी की अलग है प्रॉपर्टी, ये 7 टाइल्स से भी कम गैप में आगे बढ़ेगा, आप उसमें स्टैट्स में देख सकते हैं। अब लेसी उस पर ईगल पे डैमेज कर रही है, लेकिन देखिए वहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट उसमें देखा था बिल्डर हट, बैटल हट जो है वो काम कर रही थी, तो वो बढ़िया बिल्डर सारे के सारे उसको ईगल को रिपेयर करने लग गए। अब हम यहाँ पे अगर हमारे आरसी कैबिलिटी यूज़ करेंगे तो आरसी कैबिलिटी यूज़ कर देंगे, हमारा ऑलरेडी जो लेसी है वो डेड हो चुकी है। वैसे ही हमारी अगला हम देखेंगे क्या करना है वीडियो में, कि अब हम इस पर ऑल ट्राई करेंगे। अगर ऑल ट्राई किया तो देखिए एयर डिफेंस की रेंज में आते ही ऑल हमारा डेड हो जाएगा, तो कोई फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आपको बहुत केयरफुली देखना है, बेस डिज़ाइन के हिसाब से डिसाइड करना है कि कौन से हीरोज़ पे कौन सा हमारा ये अच्छा रहेगा, पैट्स अच्छा रहेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर अटैक में सेम रखें, लेकिन मैं मेरे व्यूज़ बताऊँगा कि कौन सा पैट किस हीरो के लिए बेस्ट है। लास्ट में वीडियो के आपको मैं ज़रूर बताऊंगा, और आपको मैं हिंट दूंगा कि मैंने इससे पहले भी बता चुका हूं, आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही बता चुका हूं। अगर आपको पता लगा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहां मैंने हिंट दिया है आपको कि कौन सा पैट किस हीरो के साथ बेस्ट रहेगा। देखिए कि 7 टायर्स के रेंज में काम करेगा याक अपना, और जैसे आरसी ईगल पे अटैक कर रही है तो उसने पहली बिल्डिंग स्विच करके दूसरी बिल्डिंग पे आया है, उसी टाइप से इसका एल्गोरिदम है। बढ़िया अपडेट है, बहुत मज़ा आने वाला है गेम को खेलने में, इंतज़ार नहीं हो रहा है अपडेट कब लाइव होगा, शायद कल नहीं परसों लाइव होगा। मैं उम्मीद करता हूँ, सुपरसेल से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर वीडियो देख रहे हैं तो कि कल ही लाइव कर दे, क्योंकि कल संडे का दिन है और सब लोग घर पे हैं, फ्री है तो कर सकते हैं। देखिए आरसी आगे बढ़ गई है तो ये अपनी वॉल ब्रेक करने लग रहा है, वॉल ब्रेक करने के बाद में देखिए आरसी डेड हो गई, तो देखिए रेज हो गया, जैसे गुस्सा आया उसको याको, और वो देखिए उसका डैमेज बढ़ गया और ऑटोमेटिक ब्रस्ट हो गया। मतलब हीरो के अगर डेड होने पर भी थोड़ी देर वो अपना काम करेगा, एज रेज पोर्शन में काम करेगा। अब इस पर देखते हैं अपन आरसी के पीछे, हम लगा के देखते हैं हमारा यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न हील कर रहा है आरसी को बढ़िया तरीके से, एज ए हीलर काम कर रहा है, लेवल 7 हीलर से भी ज़्यादा पावरफुल है। मैं लास्ट में आपको स्टैट्स दिखाऊंगा, तो इसकी जो देखिए क्या प्रॉपर्टी है, शानदार हीलर का काम कर रहा है। कोई से भी हीरो के आपके पीछे इनको यूज कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात ये है स्विच कर सकते हैं। मुझे पहले लग रहा था कि ये शायद पर्टिकुलर हीरो पे ही लॉक्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम बेस के अकॉर्डिंग जैसे हमको सूटेबल लगता है वहाँ पे इनको यूज कर सकते हैं। तो और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हो गया है ये गेम। क्लैश ऑफ क्लांस आपको क्यों पसंद है? मुझे खास तौर से इससे पहले मैं कंप्यूटर गेम खेलता था, तो देखिए यहाँ पे मैं पहले इसकी प्रॉपर्टी बताना चाहूँगा आरसी की। आरसी अगर डेड हुआ तो यूनिकॉर्न देखिए क्वीन पे स्विच कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यूनिकॉर्न अगर याके जैसे नहीं है, वो रेज करके अपने आप को ब्रस्ट कर लेगा, ये दूसरे हीरो पे स्विच करेगा। अब अगर हम दूसरा हीरो अगर डिप्लॉय करके देखते हैं साइड में तो क्या रहेगा, क्या इसका रहेगा? अगर किंग को अगर डिप्लॉय कर देते हैं तो क्या करेगा ये, तो वो स्विच करेगा कि नहीं करेगा वो देखने वाली बात थी, लेकिन वो नहीं करता है। चलिए क्वीन के साथ हमने यूनिकॉर्न और ये जो है हमारा क्या बोलते हैं क्वीन डिप्लॉय करते ही यूनिकॉर्न क्वीन के साथ हमारा सॉरी मैं यूनिकॉर्न बोल रहा हूँ, यूनिकॉर्न ऑलरेडी था उस पर, लेकिन इसके साथ हमने लेसी डिप्लॉय किया, तो दो दो एज ए पैट्स क्वीन पे है यहाँ पे, मतलब दो पैट्स भी एक हीरो पे रह सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन कैसे रहेंगे उसके लिए पहले हीरो को डेड होना पड़ेगा, उसके बाद आप डिप्लॉय करना पड़ेगा, इमीडिएट आफ्टर जिसको डिप्लॉय करेंगे उसके लिए यूनिकॉर्न स्विच करेगा। सिर्फ ये यूनिकॉर्न की प्रॉपर्टी है, हर किसी की नहीं है, मतलब घोड़ा स्विच कर जाता है एज हील करने के लिए। अब अगला हम देखेंगे इसको लेवल 10 करने के बाद में, देखिए इसके स्टैट्स आपने जैसे कि देखा, ये लेवल 10 की जो स्टैट्स आपको स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ, अपग्रेड हमने कर लिया है।
बिल्डर प्रीव्यू है, ये डेवलपर प्रीव्यू है, तो मैक्स इसकी देखिए 77 हील है, मैक्सिमम जो हील रहती है उसकी 72 रहती है स्ट्रैट्स, तो ये ज़्यादा पावरफुल है, मैक्सिमम जो हमारी हीलर रहती है उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो आप इसको एज ए एक हीलर कम लेके और कोई प्रूव कम्बो यूज़ कर सकते हैं, मतलब न्यू मेटास ट्राई करने में बहुत आसानी से आप इनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे काम को अप्रिशिएट कीजिए थोड़ा और सपोर्ट कीजिए। चलो मैं आपको गेम प्ले दिखाता हूँ कैसे कि कैसे क्या एग्जैक्ट गेम प्ले रहेगा, आपको दो दिन में पता चल ही जाने वाला है, मंडे को जहाँ तक अपडेट लाइव होगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि संडे को ही हो जाए। लेकिन देखिए अपन आरसी के साथ पहले अपना लेसी यूज कर रहे हैं, दो तीन हमने यहाँ पे इनविजिबल स्पेंस यूज करे, और देखिए आरसी डिफेंसेज को इग्नोर करके आगे बढ़ गई है दूसरी तरफ, और हमने किंग के साथ यूज किया है याक को, और याक देखिए डिफेंसेज पे अटैक कर रहा है किंग के साथ ही, और क्वीन के साथ हम यूनिकॉर्न यूज कर रहे हैं जो कि उसको हील करने में लग रही है, और यूनिकॉर्न लग रही है, लग रहा है बोलिए, मुझे लग रहा है लेसी इज़ फीमेल और यूनिकॉर्न इज मेल, याक इज मेल एंड आउल इज मेल, मतलब एक ही फीमेल पेट है हमारी लेसी, जो कि कुत्ता भी बोल सकते हो, लेकिन उसका नेम से लग रहा है कि वो फीमेल कुत्ता है, तो सॉरी मैं कुत्ती नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि थोड़ा ऑफेंसिव लगता है वो। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो पैट्स है सिर्फ ऑफेंस में काम आएंगे अटैक के टाइम, डिफेंस में हीरोज के साथ नहीं रहेंगे, तो ये कुछ गेम बैलेंस शायद आगे हमें फ्यूचर में देखने के मिले, लेकिन अभी यही है। और देखिए सीसी में आपको सुपर मिनियन है लेकिन वो नर्फ्ड है, तो डरने की बात नहीं है, क्वीन चार्ज वालों को बड़ी दिक्कत रहती है ना इससे सुपर मिनियन से, खास तौर से जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको क्वीन को मैनेज नहीं कर पाते, तो यही है। हम इस पर लालून अटैक किया है, क्या वैल्यू निकाल के दिए हीरोज़ ने, बहुत ही शानदार वैल्यू निकाल के दी है। हम वार्डन पे आउल यूज कर रहे हैं क्योंकि एयर ट्रूप है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एयर वार्डन पे तो बेस्ट है कि आप आउल यूज करें, क्योंकि वहाँ पे आप लालून या फिर कुछ भी एयर अटैक में ही एयर वार्डन रखेंगे तो वहाँ पे उनके जो एयर डिफेंसेस है उनको टैकल करने के लिए या तो हाउंस रहेंगे आगे आउल के या फिर लून्स रहेंगे, कुछ तो रहेगा, तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि वार्डन के साथ, एयर वार्डन के साथ तो हमेशा आप ये ही यूज करें, आउल यूज करें। बाकी मैं मेरा जो यूज़ है ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, मैं बताना चाहूँगा आपको, मैंने थंबनेल में बता दिया है, थंबनेल में वही बताया है जो कि बेस्ट कॉम्बो है हीरोज के साथ, थंबनेल में वही मैंने बताया है। तो देखिए ये लालून से ये बेस मैक्स आउट जो बेस था TH14 वो आराम से निकल गया अपना, तो हीरोज के साथ हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे TH14 में डिफेंसेस की स्ट्रेंथ काफ़ी इंक्रीज हुई है। मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें कोई न्यू ट्रूप नहीं आने वाला है इस अपडेट में, क्योंकि सुपर सेल हर क्वार्टर में अपडेट रिलीज करेगा तो वो देगा। चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय गुड नाइट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, थैंक।